एक शिक्षक बहुत समझदार होता है, वो अच्छे से जानता है कि विद्यार्थी के ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लगाना है। एक शिक्षक ज्ञान का वाहनदार होता है, शिक्षक हर बच्चे की भविष्य की जिम्मेदारी लेता है, वो विद्यार्थी के भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं। आइए हम इसी अनुभव को उपयोग करते हुए आपके सामने शिक्षक की क्षमता प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि टीचर ये सब तो चलता रहेगा और वैसे भी आपको कहाँ ज्यादा चलता है सर, ने क्या बना के रखा है कार को आप लोगों ने? ऑलवेज टेकिंग पार्ट ऑफ टीचर एंड यू स्टैंड अप। व्हाट इज दिस? आपको पता है ना स्कूल में मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, फिर भी तुम लेकर आए हो। लाओ इधर लाओ। देखो टीचर दूसरे स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं रहेगा पर मेरे लिए तो है। हाँ टीचर, इसके लिए तो सब अलाउड है। हाँ टीचर, इसलिए पापा तो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो क्या अपने आप अपने परिवार नहीं मिलेगी? देखो साथ में अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो ये सब नहीं चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं पढ़ना। आई एम आउट ऑफ माय क्लास। चलो सर, क्या हो रहा है ये? चुप। दूसरे दिन सादिया ने अपने क्लास को दरा धमका के प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देती है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते और रुकैया टीचर के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। प्रिंसिपल मैम रुकैया टीचर को क्लास में बुलाते हैं। यस कब रुकैया? यस रुकैया, देखो तुम्हें तो पता ही है आजकल के बच्चों की सोच कैसी होती है। वो जिस टीचर को चाहता है उसे सर पर बैठा के रख देते हैं। और ज्यादा क्या बताओ, देखो अगर तुम्हें इन 3 दिनों की छुट्टी चाहिए तो तुम ले लो। देखो तुम्हें एक अच्छा टीचर हो और बाकी मेरे कहने का मतलब क्या है, तुम अच्छी तरह से रखो। मैंने कुछ किया नहीं, देखिए तो मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मैंने बस स्टूडेंट को इस गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रुकैया टीचर ने बहुत सोचा और दूसरे दिन स्कूल से रिजाइन करा दिया और उन्होंने दूसरे स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया। रुकैया ने पुराने अनुभव को दिमाग में रखते हुए स्टूडेंट को नई तरीके से पढ़ाने का सोचा। देखते हैं रुकैया टीचर कैसे पढ़ाते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हो रहा है? आपको कितने ध्यान नहीं दिए? वाह पोटैटो चिप्स, वाह मुझे बहुत पसंद है। वाह इट्स वेरी टेस्टी। ओके साइलेंस ऑल ऑफ यू। आपको कितने ध्यान नहीं दिए? आप सबसे थोड़ी बात करनी है। जो आपका एक बार बताओ मुझे वर्मा सर है ना, वो बड़े पकाऊ है। अरे तू क्या बोल रही है, तू भी तो पकाऊ ही है। ओके साइलेंस ऑल ऑफ यू। बेटा आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? नो सर। स्टॉप लिसन दीपा, बच्चे संभाल के, आर यू ओके? हाँ सर। पर तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। दीपा शांत हो जाओ। अगर तुम्हें दिल हल्का करना है तो मुझे बताओ। रोना बंद करो। क्या हुआ मुझे बताओ। कोशिश करने के बाद दीवा थोड़ी समझती है और बोलने की कोशिश करती है कि गुरु को बताने लगती है कि किस तरह से उसके दोस्तों ने उसे ड्रग्स की आदत लगाई और अब वो उस आदत से परेशान हो गई। ड्रग्स की आदत के साथ अब वो दोस्त भी उसके ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद गुरु ने दीवा के माता पिता और डॉक्टर की मदद से दीवा के ड्रग्स की लत से बाहर निकाला, नॉर्मल बच्चों की तरह जीना सिखाया और अब ये 20 साल बाद की कहानी है।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी? आओ साधिया आओ। आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बताओ? मुझे मेरी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 1000 रुपए होगा तो चल जाएगा। लो 2000 रुपए बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। आप पुरातन माने तो एक बात पूछो मालकिन। पूछो बेझिझक पूछो, क्या बात है? ये फोटो आपकी माता जी की है? अरे ये मेरी माता जी नहीं है। फिर कौन है ये? तुमने ये बात पूछ के मेरी पुराने आदत ताजा कर दी। आज जो कुछ भी हूँ ना वो इन्हीं के वजह से हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ सड़ रही होती। ये मेरी शिक्षिका है, शिक्षिका ये मेरी टीचर है। क्या आपकी टीचर? क्या हो गया साधिया, खड़े हो जाओ। अब क्या बताऊँ, ये जो आपकी टीचर है वो मेरी भी टीचर थी। उस समय में मैं इनको तब पहचान लेती तो आज मुझे एक दिन ना देखना पड़ता। उस समय में मैंने इस टीचर को स्कूल से निकलवाया था। क्या तूने ऐसा किया? तूने? हाँ मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं तुम्हें तब नहीं पहचान पाई। शांत हो जाओ साथिया, गुरु हमारे जीवन के बहुत मार्गदर्शक होते हैं। वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कभी हमारे माता पिता बन के हमें दिखाते हैं तो कभी हमारा दोस्त बन के हमारी मन की बात जानते हैं। इसलिए हमारा जीवन एक आध्यात्मिक के बिना अधूरा है। जिनके हाथों में फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स जैसा अधिकार, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। हैप्पी टीचर। पढ़ना लिखना नहीं आता था मुझे, उसने सिखाया। शिक्षा क्या होती है उसने बताया। कभी डांट कर कभी प्यार कर, कभी डांट कर कभी प्यार कर, मेरी गलती पर समझाया। गलतियाँ तो बहुत होती है मुझसे लेकिन उस गलतियों से सीखना सिखाया। बदमाशियाँ तो बहुत करती थी मैं लेकिन उसने डिसिप्लिन का महत्व सिखाया। एक ऐसा भी समय था जब हार चुकी थी मैं, लेकिन उसने मुझे डिसिप्लिन की किरण को जगाया था। हैप्पी टीचर्स डे। मॉर्निंग। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीचर की एक आदत होती है भूल जाने की। कभी चश्मा भूल जाते हैं तो कभी घड़ी भूल जाते हैं। दोपहर का खाना, क्लास कब खत्म हो गया, ये भी भूल जाते हैं। देर रात को किसी स्टूडेंट ने अचानक फोन किया कुछ पूछने के लिए तो भूल जाते हैं। अभी सोने का वक्त है, भूल जाते हैं कब किसको डांटा था, कब किसने उनकी क्लास में
कौन सी शरारत की थी, किस नाम से बुलाते थे टीचर, भूल जाते हैं, किसका क्या धर्म था, छोटा या बड़ा घर था, कौन झोपड़ी में रहता, कौन महल में। टीचर को बस एक स्टूडेंट याद रहता है सारी जिंदगी, और हम स्टूडेंट आपको शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया।
teacher, I wrote this song for you. To thank you for every smile. I know you had a lot to do. I am glad that you paused a while. You took time to listen and to hear, to laugh and just be there. I heard that lesson loud and clear. I mattered to you, you cared. When you reach out and you touch me with your heart, then you hold what I'm becoming in your hands. And though you are with me just a while, today you hold tomorrow's smile in your hands. In your hands, in your hands. Teacher, I wrote this song for you. Melody, words and rhyme. Lessons you taught me yesterday have disappeared into time. But teacher, never we forget a look you gave to me. I saw reflected in your eyes the somebody I could be. When you reach out and you touch me with your heart, then you hold what I'm becoming in your hands. Good morning everyone. I wish you all a very happy Teacher's Day. Today is 5th September and we celebrate Teacher's Day on 5th September every year. Teacher teach us good manners and make our future bright. Without teacher, we cannot imagine a good life. Teacher is like mother. Our knowledge is incomplete without a teacher. A good teacher is like a candle. Teacher plants seeds of knowledge that grow forever. Books gives us knowledge, but teacher convert it into wisdom. Teacher make good citizens and good citizens make good nation together. So we must always obey our teacher's orders and follow their advice. Thank you. Teachers is celebrated on 5th September of every year. It is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishna, who was the very best friend and excellent teacher. Teachers play a very important role in everyone's lives. They give us knowledge and help to overcome problems. I would like to thank all the teachers for helping us to be a better person. तो बस एक प्याम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया दुनिया इल्म दानिश का रास्ता दिखाया Happy teachers, to all my teachers, happy teachers.